अंदर, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग सिटीज के अंदर रहते होंगे, हो सकता है कि बहुत सारे लोग गांवों के अंदर रहते होंगे, लेकिन कोई भी जंगलों के अंदर नहीं रहता है। कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारा समय जो है जंगलों के अंदर बिताने वाले हैं। हो सकता है कि ये वीडियो हमारी आखिरी वीडियो, क्योंकि जंगलों के अंदर सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होता है, वहाँ पे जानवरों का खतरा रहता है। लेकिन हम जो है 24 आवर से भी ज्यादा का जो वक्त है वो जंगलों के अंदर बिताने वाले हैं। बहुत खतरनाक हो सकता है। देखते हैं कि जब कोई सिटी से या फिर गाँव से निकल के जंगलों के अंदर जाता है तो उसकी जो लाइफ है कितनी ज्यादा टफ हो जाती है, कितनी चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये देखने लायक चीज होगी। भाई क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी पीछे चीता आ गया, चीता भी भागो। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। अरे भाई मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, मैं भूत है भाई, बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, मेरे को डर लग रहा, खतरनाक। भाई तो क्या कर रहा है, तेरे को डर नहीं लगता क्या? तू आ जाना साथ में, आ जा जल्दी आ जा। सबसे पहले कोई सेफ सी जगह देखते हैं जहाँ पे हम लोग रुक सके, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर रात हो जाएगी। रात को भैया जो है चिंकारे आते हैं, मंकी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। तो बढ़िया सा जगह देखनी पड़ेगी। यहाँ पे जंगल के अंदर पानी वानी भी हमारे पास बहुत लिमिटेड है। ओए भागो यहाँ से, निकलो जल्दी। चुका एक भयानक जंगल के अंदर, आ जाओ आपको दिखाते हैं। और क्या दिखा रहा है तू? जंगल दिखा रहा हूँ, दिखा दिखा यार, तू थक गया हम तो। देखो कितना भयानक जंगल है ये, तो आगे खाई है यहाँ पे। अरे यहाँ पे हड्डी है यार, यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक हड्डी है। हड्डी का मतलब होता है चमन। यहाँ पे शिकार हुआ है, शिकार मतलब जंगली जानवर। चलो निकलो, निकलो यार, निकलो बराबर, निकलो, चलो 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 चले तू। अपने से ज्यादा खतरनाक नहीं यार राजा, जंगल बात चली है, पता चला है ये चट्टी पेन के फूल खिला है, फूल खिला है। ओ गाइस यार हम अंदर तो आ गए हैं, सबसे मेन होता है पानी। पानी आ जाओ, पानी तो हमें मिल गया, लेकिन जहाँ पे पानी होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि बाकी सारे जो भी जानवर हैं या फिर जो भी चीज़ें वो इधर की साइड ही आती है पानी पीने के लिए, सांप बिच्छू। चमन ऊपर चढ़ के देख, रास्ता देख, चाहो तो ऊपर चढ़ जा, चढ़ जा, मैं भी आ रहा हूँ। जंगल ही जंगल दिख रहा है आसपास में, बस कोई ऐसी जगह देख खाली हो जो कि भाई। अबे तेरे को देखना चाहिए था अपन आए किधर से थे। बाकी जो है तेरे को क्या करना था चमन, यहाँ पे है ना जिधर से अपन आए थे ना उधर कुछ फेंकते वाले चाहिए था कि अपना पता रहता, रास्ता भूल जाएंगे ना तो बेटी रात को दिक्कत होगी। अगर जंगल में रहेंगे वैसे। अरे तेरी काका जंगल है ये, तेरी काकी का गांव थोड़ी है जो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं। भाई ये देखो नज़ारा देखो, अरे गाइस तैयार हो जाओ, चलो चलो अभी है ना अपने को रात होने से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो किधर है, रुक जा मेरे को देखने दे किधर चलना है। टीना मीना डीका डूश, इधर चलना है। चढ़ना आसान होता है भाई, उतरना मुश्किल होता है। गाइस हमें यहाँ पे फिश देखने को मिली है, लेकिन हम वेजिटेरियंस हैं तो हम तो अपना खाना पीने का सामान साथ ले लिए। इधर ही देखने से देखने, हाँ गाइस वहाँ पे फिश है वो देखो,
वो मछली है वहाँ पे, कोई सांप भी हो सकता है इधर, मछली का है पहले जो है। मैं सोचता था कि जंगलों के अंदर आम अमरूद बहुत सारे फ्रूट्स और इनके पेड़ भी होते होंगे, क्योंकि पहले के लोग जो सर्वाइव करते थे तो हो सकता है वो फल फ्रूट्स खाया करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप जंगल में जाते हो ना भाई, आपको कोई भी ऐसा पेड़ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती है जो कि अपने लिए हैबिटेट हो या फिर अपने खाने के लिए सही हो, क्योंकि सारी चीज़ें जो है अपने लिए वो नहीं होती है। भाई कैमरा उठाओ और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आई मीन सुनाता हूँ। महसूस करना इस शांति को, सुकून को, अगर हम सब कोई भी शोर ना करें तो सुनो। सुनसान जंगल, अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें, अलग अलग तरीके के जानवरों की आवाज़ें यहाँ पे अपने को सुनने को मिलती है। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले पहाड़ चढ़ते हैं। पहाड़ ऊपर चढ़ने के बाद देखते हैं कि मतलब यहाँ का लोकेशन कैसी है और क्या क्या चीज़ें हैं। पहाड़ चढ़े, शांति से चढ़े। फाइनली हमने जो है पहाड़ के ऊपर तो चढ़ गए हैं, हमने सोचा कि उधर कुछ मिलेगा, लेकिन इधर भी पहाड़ ही है, इधर भी पूरा जंगल ही है। पास आओ देखो, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है जंगल ही जंगल है। और मौसम देखो गाइस, पूरा बारिश का हो रहा है, पूरे पूरे अनुमान है कि बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। तो हमने गलती कर दी थी, हम छतरी वगैरह और वो चीज़ें नहीं लाए, तो हमारे सारे इक्विपमेंट भीग सकते हैं। बाकी देखो देखो उधर मत दिखा बाबा सुसु कर रहे हैं, बैग ले गए ना तू। तो दोस्तों, जंगल में शाकाहारी लोगों के लिए ये खाने के लिए खाटे रहने, हमारे यहाँ पे खाटे रहने बोलते हैं, आपको पता नहीं क्या बोलते हो, बहुत सारी है, भैया को भी खिलाते हैं। शेर को घास खिला रहे हैं लोग, बताओ शाकाहारी शेर है ना। और पहाड़ की चोटी पे हम आ गए हैं और बारिश जैसा पूरा पूरा मन हो रहा है। उधर देखो, उधर गाइस बारिश आने को है और बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि हम जंगलों के अंदर है, लेकिन जंगलों वाला फील नहीं आ रहा। वो फील तब आएगा जब हम कपड़े फाड़ेंगे। जंगल के अंदर सर्वाइव करने के लिए हमारे काम आ सकती है, इनको बैग में डाल लेते हैं, अब आएगा फुल असली वाला मजा। एक एक जो है उधर गया हुआ है, लेकिन इसकी भी हम टी शर्ट फाड़ देंगे, क्योंकि जब तक जंगल के अंदर पूरा फील नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। उधर देखो गाइस बारिश जो है, उधर देखो गाइस, वाह यार बारिश का जैसा मौसम हो रहा है। शाम होने वाली है, अरे शाम होने वाली है, रहने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी। अरे अच्छी जगह नहीं, तेरे काका रात होने वाली है। जिंगल आला हो। तो गाइस यार अब जो है नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ एक मुझे एक लेक दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे थोड़ा पीने के पानी के लिए और भी दूसरी चीजों की व्यवस्था के लिए चीजें मिल जाएगी, खाना वाना बनाएंगे उन सब चीजों के लिए। चलो आ जाओ गाइस, कम ऑन।
चलो चलो। गाइस यार मैं हमारे भालू, ये चीता, ये चिंकारा, ये भेड़िया और बहुत सारे लोग हैं, हम जो है यहाँ पे आ चुके हैं जंगल की चढ़ाई नीचे करके। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार व्यू। देखना गाइस, यहाँ से देखना, आपका दिल नहीं खुश हो जाए ना तो बताना। 1 2 3 लुक एट दिस। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं यहाँ से सीधे ही छलांग लगा जाऊँ, लेकिन नीचे कितना गहरा है या फिर क्या चीजें हैं वो मुझे नहीं पता है। बाकी ये देखो यहाँ पे एक लेक जैसा कुछ बना हुआ है जो कि यहाँ पर है, और पानी देखो, तो यहाँ से तो नहीं उतरा जा सकता है गाइज। उधर से उधर से उधर से उधर से उधर से उधर से तो उधर से आना पड़ेगा, और पानी के पास में चलते हैं खाना पीने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी के अंदर, और आपको तो पता ही है भैया, मेरे को है ना पर्सनली जो है, मुझे मोटे को और मेरी पूरी टीम को स्विमिंग पूल के अंदर नहाने का मज़ा नहीं आता भाई। शेर तो जो है जंगल में ही नहाते हैं नहीं लिटरली मजाक की बात नहीं है। देखो स्विमिंग पूल के अंदर कोई खतरा नहीं रहता है, गहराई वगैरह सब पता रहती है, तो इतना ज्यादा जब तक थ्रिल ना हो, जब तक थोड़ी सी रिस्क ना हो, जब तक जिंदगी का मजा नहीं आता है। ओए आराम से, रिस्क के चक्कर में मर मत जाना, जिंदा रहना भी जरूरी है। नहीं आप जूते पहनना भी जरूरी है। ओए तो नीचे आ जाए, एकदम सीधे पानी में गिरेगा यहाँ पे, ये देख सीधा पानी में गिरेगा पानी का। ओए हाँ तुम काट लो दांत, यहाँ से आओ तब पता पड़ेगा। आओ तो सही, तुम्हें पता होगा, आराम से पानी के अंदर नहीं गिरना चाहिए। गाइस यार लुक एट दिस व्यू, और पानी की गहराई का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। जैसा कि मैं कह रहा था, एक पत्थर हमेशा फेंक देना चाहिए ताकि आसपास कुछ भी हो। भाई बहुत गहरा लग रहा है, ये तो पत्थर फेंक तो एहसास होगा हमें, जो है इतना आइडिया हो गया कि हम पत्थर फेंक के जो है इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पानी कितना गहरा हो सकता है। तो वो देखो, ओह बहुत गहरा, आवाज़ सुनी। अब जो है एक काम करेगा, इधर से चलते हैं तो रिक्स हो सकती है, है ना, क्योंकि अगर पानी के अंदर गिर गए तो दिक्कत हो सकती है। तो अपन क्या करें, किधर से आए, रस्सी से क्या तेल लेगा क्या, तेरे को तैरना नहीं आता। हाँ हाँ, तो ऊपर रस्सी बांध के लटक के इधर से ऐसे निकलते हैं गाइस। अब जो है इस वाली पहाड़ के ऊपर वहाँ रस्सी बांधेंगे और रस्सी के सहारे सहारे उधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना गहरा है कोई आइडिया नहीं है। ले भाई रस्सी बांधो, पकड़ो। गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, लुक एट दिस। वो ये देखो गाइज, लुक एट दिस व्यू, ये नेचुरली भरी हुई है, इसके अंदर कहीं से भी पानी, ये देखो गाइज एक नंबर भाई, एक नंबर। ये देखो, ये देखो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे ये जो है कितना गहरा है। ये देखो, ओ भाई ये देखो, अब सोचो मतलब कितनी ज़्यादा हिम्मत और करेज चाहिए ऐसे किसी पानी के अंदर कूदने के लिए, और मज़ा ही उसी में। मुझे कूदने का तैरने का बहुत शौक है। अरे मोटा यार, डाल का तो सिर्फ डाल कर देगा यार, कहीं ये गाय होने ना, लेकिन भाई रिस्क है ही कि माइन भाई, पहले बताइए जिन जिन तरबो आवे ना बेड आ गयो, बाकी कोई मड्डा आ गयो तो ये ना रिस्क है जेली माइन। गोबर से हटके गोबर लगा पर डाल का खतरनाक तरीका है ना, सेट ऑन ऑन ऑन।